आविष्कार जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे और डायस्टोलिक 60 से नीचे चला जाए बीपी लो कहलाता है, क्योंकि उस समय हमारा दिल, दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता, कम पहुंचाता है। रोगी को लक्षण क्या होते हैं? सो के उठता है या बैठ के उठता है तो आंखों के आगे अंधेरा आता है। किसी रोगी को चक्कर आते रहते हैं, कोई कोई रोगी बार बार बेहोश होता रहता है। इसके कारण क्या है वो भी बता देता हूँ। पहला कारण है खून में तरल पदार्थ का कम हो जाना। उल्टी दस्त के माध्यम से खून में तरल पदार्थ कम हो जाता है। किसी को पसीना ज़्यादा आता है तो तरल की मात्रा कम हो जाती है। किसी को पेशाब ज़्यादा आता है तो भी खून में से तरल की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कारण है शरीर में खून कम बनना या ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना। चोट लगने से या कोई डिजीज़ के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसके कारण भी बीपी लो होता है। तीसरा कारण है शरीर में कमज़ोरी, पोषण का अभाव, शरीर कमज़ोर ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बीपी लो होता है। चलो ये तो कारण हो गया, अब निवारण की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का इस्तेमाल करें। पानी में नमक चीनी घोल के 1 से 2 घंटे में ज़रूर लेते रहें। बीपी लो के पेशेंट को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि 2 घंटे में आप नमक चीनी का घोल ज़रूर लें या ग्लूकोज पानी में घोल के 2 घंटे पे आप लेते रहें। दूसरा, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कहते हैं करने के लिए। तीसरा उपचार कहते हैं कि फल फ्रूट में, सलाद में, जूस में आप सफ़ेद नमक डाल के उसका इस्तेमाल करो। दही में आप नमक डाल के इस्तेमाल करो। ये तो हो गया घरेलू उपचार। अब आयुर्वेदिक औषधियों की बात करता हूँ। 1 गिलास दूध में केसर के 4 तिनके लेने से और उसे गर्म करके पीने से सुबह शाम बीपी लो की शिकायत जड़ से चली जाती है। उसमें काल्पिक मिश्री जरूर डाल लें मीठे अनुसार। दूसरी औषधि बता देता हूँ, खरेटी के बीज लाके उसे पीस के उसके बराबर मात्रा में गुड़ मिला लें। 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से बीपी लो की शिकायत जड़ से चली जाती है। और बीपी लो से मुझे याद आया कि इसे अनदेखा मत करें, क्योंकि ये हमारे दिमाग, दिल, लीवर और गुर्दे को फेल करता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसे अनदेखा मत करें। और इसमें ऐसी चीज़ें लें जो ताकतवर्धक भी हो और जो आपके लिए खून में तरल पदार्थ को भी बढ़ाती रहे, जिसमें लिक्विड का अंश ज़्यादा हो। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, मेरे बताए गए नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।